हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो सेकंड एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहले देखो, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर हमें वन का क्यूब निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन। अगर हमें टू का क्यूब निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू। तो सेम हमें ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब पूछा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। अभी देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये प्लस बी वैसे ही रखेंगे। अभी देखो, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मतलब क्या, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर। ओके, अभी देखो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का हमें फॉर्मूला पता है। देखो, ये ए प्लस बी वैसे का वैसे ही रखेंगे। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर मतलब क्या, ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ सेकेंड ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकेंड टर्म है उसके साथ सेकेंड ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ये सेकेंड ब्रैकेट। तो देखो, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ये सेकेंड ब्रैकेट, ए स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अभी ये प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ये सेकेंड ब्रैकेट, बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अभी देखो, ए के साथ ये ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस बी के साथ ये ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलो करते हैं, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर ए क्यूब प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ए बी, देखो टू ए मल्टीप्लाई बाय ए ए स्क्वेयर एंड ये बी, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर बी ए स्क्वेयर, हम लोग ए स्क्वेयर बी भी लिख सकते हैं, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ए बी, देखो ये टू ये ए, बी मल्टीप्लाई बाय बी बी स्क्वेयर, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर बी क्यूब। अभी हम लोग एडिशन करेंगे। देखो, ए क्यूब के साथ कुछ ऐड होगा क्या, देखो अभी यहाँ पे ए क्यूब की एक भी टर्म नहीं है तो सिर्फ ए क्यूब ही आएगा, प्लस ट्वाइस ए स्क्वेयर बी के साथ कुछ ऐड होगा, ट्वाइस ए स्क्वेयर बी के साथ। अभी देखो, ए स्क्वेयर बी की कोई टर्म है क्या वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ए स्क्वेयर बी की टर्म है, मतलब ट्वाइस ए स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर बी करेंगे। ओके, देखो ट्वाइस ए स्क्वेयर बी के साथ ए स्क्वेयर बी की एडिशन करेंगे। अभी यहाँ पे टू टाइम्स ए स्क्वेयर बी है, यहाँ पे सिंगल टाइम ए स्क्वेयर बी है, मतलब टू प्लस वन थ्री, थ्री टाइम्स ए स्क्वेयर बी आएगा, प्लस अभी देखो ए बी स्क्वेयर है तो ए बी स्क्वेयर की कोई टर्म है क्या, देखो यहाँ पे है टू टाइम्स ए बी स्क्वेयर, तो ये टर्म की एंड ये टर्म की एडिशन करेंगे। देखो ए बी स्क्वेयर एंड ट्वाइस ए बी स्क्वेयर की एडिशन करेंगे, वन प्लस टू थ्री, थ्री टाइम्स
ए वी स्क्वायर आएगा प्लस देखो बी क्यूब आएगा। ओके अब यहाँ पे बी क्यूब की एक भी टर्म नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे सिंगल टाइम बी क्यूब आएगा। ओके तो देखो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। देखो फॉर्मूला क्या मिला हमें, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस थ्री टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके तो ये जो फॉर्मूला है वो लर्न करो। अभी हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ओके अभी हम लोग फोर डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट क्यूब। देखो बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब के फॉर्म में है ये। ओके तो हम लोग ये एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस थ्री टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अभी देखो ए की जगह पे x रखेंगे, b की जगह पे 3 रखेंगे। देखो ए की जगह पे क्या रखेंगे, x एंड b की जगह पे क्या रखेंगे, 3। ये फॉर्मूले में ओके तो चलो सॉल्व करते हैं। ये x प्लस थ्री ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 3 का क्यूब। ओके अभी चलो आगे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब ही आएगा प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अभी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, थ्री मल्टीप्लाई बाय 3 9 9। देखो थ्री मल्टीप्लाई बाय 3 9 तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर है। अभी देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर करेंगे। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27। देखो 27 एक्स प्लस 3 का क्यूब क्या आता है, 27। ओके तो ये हुआ हमारा आंसर। अभी हम लोग सेकेंड नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल क्या है, 3x प्लस 4y ब्रैकेट क्यूब। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। अभी देखो a की जगह पे 3x रखेंगे, b की जगह पे 4y रखेंगे। a की जगह पे 3x, b की जगह पे 4y रखेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब मतलब 3x क्यूब आएगा, 3x ब्रैकेट क्यूब आएगा। ओके ब्रैकेट क्यूब क्योंकि 3 का भी क्यूब चाहिए x का भी क्यूब चाहिए इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट दिया है तो ये भूलना मत। ओके प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मतलब 3x ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, बी मतलब 4y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब 3x मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर मतलब 4y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 4y ब्रैकेट क्यूब।
अभी आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू, अभी देखो 3x ब्रैकेट क्यूब है, मतलब 3 का भी क्यूब आएगा मल्टीप्लाई बाय x का भी क्यूब आएगा। 3 का क्यूब क्या होता है 27, x का क्यूब x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, अभी देखो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4y प्लस, अभी देखो ये 3 वैसे का वैसे आएगा मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 4y ब्रैकेट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, मतलब 16y स्क्वायर प्लस 4y ब्रैकेट क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है 64, y का क्यूब y क्यूब। यहाँ तक समझा आप लोगों को? अभी चलो आगे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 27 एक्स क्यूब प्लस, अभी आगे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 मल्टीप्लाई बाय 4, अभी देखो 27 फोर जा 108, मतलब यहाँ पे आएगा 108 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 16 करना पड़ेगा, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 16, अभी देखो 69 जा 144, तो 144 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64 वाई क्यूब, 64 वाई क्यूब, ओके। तो ये हुआ हमारा आंसर। अभी हम लोग थर्ड नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे, देखो एग्जांपल क्या है 2m अपॉन n प्लस n अपॉन 2m ब्रैकेट क्यूब, फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, देखो एक ही जगह पे क्या रखेंगे 2m अपॉन n इज इक्वल टू 2m अपॉन n, b की जगह पे क्या रखेंगे n अपॉन 2m, b इज इक्वल टू n अपॉन 2m। तो चलो सॉल्व करते हैं, देखो 2m अपॉन n प्लस n अपॉन 2m ब्रैकेट क्यूब, ओके इज इक्वल टू a क्यूब, मतलब 2m अपॉन n ब्रैकेट क्यूब, 2m अपॉन n ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, मतलब 2m अपॉन n ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, मतलब मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a, मतलब 2m अपॉन n मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, मतलब n अपॉन 2m ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b क्यूब, मतलब n अपॉन 2m ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे 2m अपॉन n ब्रैकेट क्यूब है, मतलब 2 का क्यूब आएगा m का क्यूब आएगा अपॉन n का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब 8, m का क्यूब m क्यूब अपॉन n का क्यूब n क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2m अपॉन n ब्रैकेट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 2m
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2m अपॉन n मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 2m ब्रैकेट स्क्वायर है, तो देखो न्यूमरेटर में n स्क्वायर आएगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n अपॉन 2m ब्रैकेट क्यूब है, मतलब n का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8, m का क्यूब m क्यूब। ओके अभी देखो यहाँ पे कुछ कट होता है क्या वो देखते हैं। देखो 2 1 2 2 2 4। अभी देखो यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m है, तो सिंगल m कट हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे सिर्फ m बचा। अभी यहाँ पे n है, यहाँ पे n स्क्वायर है, मतलब सिंगल n कट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे n बचा। अभी यहाँ पे देखो 2 1 2 2 2 4, फिर यहाँ पे m है, यहाँ पे m स्क्वायर है, तो सिंगल m कट हो जाएगा, यहाँ पे m बचा। यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n है, तो सिंगल n कट हो जाएगा, यहाँ पे n बचा। ओके तो देखो आगे कैसे आएगा, इज इक्वल टू 8m क्यूब अपॉन n क्यूब प्लस 3 2 6, यहाँ पे m बचा है अपॉन, देखो क्या बचा है, n प्लस यहाँ पे देखो 3 अपॉन 2, यहाँ पे क्या बचा है, न्यूमरेटर में n है, डिनोमिनेटर में सिंगल m है, प्लस n क्यूब अपॉन 8m क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 8m क्यूब अपॉन n क्यूब प्लस 6m अपॉन n प्लस 3n अपॉन 2m प्लस n क्यूब अपॉन 8m क्यूब। तो ये हुआ हमारा आंसर। अभी हम लोग लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल क्या है, 41 ब्रैकेट क्यूब। अभी 41 को हमें a प्लस बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो a की जगह पे भी एक नंबर चाहिए, b की जगह पे भी एक नंबर चाहिए, ये सिंगल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 41 के नज़दीक का नंबर ढूंढेंगे, एंड ऐसा नंबर होना चाहिए वो कि जिसमें ज़ीरो आता हो। देखो 41 है, 41 को हमें क्या करना है, a प्लस बी के फॉर्म में लाना है। तो देखो 41 के पास का ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसमें ज़ीरो आता हो। देखो 40 नंबर है, देखो 40 है, अभी देखो इसमें ज़ीरो है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 40 प्लस 1 41। बराबर देखो a प्लस बी के फॉर्म में आ गया ये। अभी ऐसा ही नंबर क्यों लिया कि जिसमें ज़ीरो आता है, क्योंकि हम लोग सिंप्लीफिकेशन आसानी से सॉल्व कर सके। ओके तो चलो 41 की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, 40 प्लस 1। देखो 40 प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब, ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ओके अभी देखो एक ही जगह पे क्या क्या रखेंगे, 40, बी की जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो चलो सॉल्व करते हैं, 40 प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, मतलब 40 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, मतलब 1 का क्यूब।
चलो आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखो 40 का क्यूब मतलब क्या है? देखो 40 का क्यूब मतलब 40 × 40 × 40। अभी देखो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, तो 64 एंड ये 30। ओके देखो 64,000 प्लस 3 × 40² 40² मतलब क्या? देखो 40² मतलब 40 × 40 4 × 4 = 16, तो क्या आएगा आंसर? 1600। देखो ये 00। ओके तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 × 40² 40 का स्क्वायर क्या आया है? 1600 = अभी देखो 16 × 3 = 48 एंड ये 00। ओके तो देखो क्या मिला हमें आंसर, 4800 यहाँ पे 4800। अभी मल्टीप्लाई बाय 1 है मतलब वही आएगा, प्लस 3 × 40 × 1² 1 ही आता है, 3 × 4 = 12 मतलब 3 × 4 = 12 एंड ये 0 = 120 आएगा, प्लस 1³ मतलब 1 ही आएगा। ओके अभी हम लोग ये एडिशन करेंगे। देखो क्या क्या नंबर्स है, 64,000 प्लस 4,800 प्लस 120 प्लस 1 यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 8 + 1 = 9, 4 + 4 = 8 ये 6। ओके तो हमें आंसर क्या मिला, 68,921 ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।